नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर कारी पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी दवाई कैंथेरिस के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये दवाई कहां काम आती है, किन लक्षणों में इसे हम पेशेंट को देते हैं और लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियोज से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई के बारे में बात करें यानी कैंथेरिस के बारे में बात करें तो इसे हम सबसे ज़्यादा यूरिनरी कंप्लेंट्स में देते हैं, यानी पेशाब से संबंधित रोगों में देते हैं। जैसे ये दवाई यूटीआई में यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में पेशेंट को दी जाती है। इसके अलावा ब्लैडर इन्फेक्शन में इसे हम देते हैं, और सिस्टाइटिस में इसे हम पेशेंट को देते हैं। नेफ्राइटिस में बहुत इफेक्टिव रहती है। हेमेचूरिया, किडनी स्टोन, किडनी पेन में इसे हम देते हैं। इसके अलावा ये स्किन डिजीज़ में भी बहुत इफेक्टिव रहती है, यानी त्वचा रोग से संबंधित रोगों में भी बहुत इफेक्टिव रहती है। जैसे पेशेंट को अगर एक्जिमा हो तो उसमें बहुत असरदार रहती है, या बर्न्स देखने को मिलते हों तो उसमें बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा मेल सेक्सुअल डिजीज़ या फीमेल सेक्सुअल डिजीज़ काफ़ी सारी बीमारियों में काम आती है। डिटेल में जानेंगे इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, किन लक्षणों में ये दवाई इन बीमारियों में असरदार रहती है। सबसे पहले इसके यूरिनरी कंप्लेंट्स की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यूटीआई में इसे हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं जब पेशेंट को जलन देखने को मिलती हो, यानी बर्निंग पेन हो। पेशेंट के पेशाब का रंग यानी यूरिन का कलर येलोइश देखने को मिलता हो, पेशेंट का पेशाब बार बार आता हो यानी पेशाब करने की डिज़ायर बार बार होती हो, और बर्निंग पेन पेशाब करने से पहले भी होता हो और ड्यूरिंग यूरिनेशन भी होता हो और आफ्टर यूरिनेशन भी देखने को बर्निंग पेन पेशेंट के अंदर मिलता है। साथ ही कटिंग टाइप का पेन देखने को मिलता है जब पेशेंट यूरिन करता है, यूरिन पास करता है। कई नेफ्राइटिस में भी दी जाती है, यानी किडनी में अगर इन्फ्लामेशन आ जाए तो उसमें भी ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। ये दवाई पेशेंट को हम किडनी स्टोन में देते हैं जहां कटिंग टाइप का पेन हो, यानी पेशेंट को कट कट जैसा दर्द महसूस हो रहा हो। दोस्तों, ये दवाई हम किडनी स्टोन में भी देते हैं जहाँ पेशेंट के अंदर डलनेस देखने को मिलती हो और किडनी में पेशेंट को दर्द महसूस होता हो, यूरिन में बर्निंग पेन हो रहा हो, साथ ही पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हो, यानी पथरी होने पर पेशेंट को दर्द के साथ साथ नोजिया वोमिटिंग उल्टी जैसे जैसा पेशेंट का मन करता है, कई बार उल्टी लग जाती है, कई बार उबकाई आती है, तो ऐसे लक्षणों में किडनी स्टोन के बहुत इफ़ेक्टिव रहती है ये दवाई। अब दोस्तों, हम इसके स्किन डिजीज़ की बात करते हैं, यानी त्वचा रोगों से संबंधित लक्षणों की बात करते हैं। ये दवाई एक्जिमा में दी जाती है, बर्न्स में दी जाती है जहाँ पेशेंट को पूरे शरीर में जलन देखने को मिलती हो। दोस्तों, इन बीमारियों में पेशेंट को लगभग सेम लक्षण देखने को मिलते हैं, यानी स्किन पर पेशेंट को बहुत ज़्यादा जलन देखने को मिलती है, पेनफुल जलन होती है, यानी पेनफुल बर्निंग पेन होता है। इसके अलावा पेशेंट को अगर ठंडा कुछ यहाँ पर रख दिया जाए तो उसको आराम मिलता है। दोस्तों, इसके मेल सेक्सुअल डिजीज़ की बात करें, यानी पुरुषों में सेक्सुअल रिलेटेड डिजीज़ की बात करें, बीमारियों की बात करें, तो पेशेंट को पेनफुल इरेक्शन देखने को मिलता है, यानी जब पेशेंट के अंदर इरेक्शन आती है तो पेशेंट को दर्द वहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा सीमन में कई बार पेशेंट को ब्लड भी देखने को मिलता है, वहाँ ब्लीडिंग भी साथ में आती है, और पेशेंट को यूरेथ्रा में कई बार बर्निंग पेन देखने को मिलता है। तो इन सब दिक्कतों में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। दोस्तों, अब फीमेल प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो पेशेंट को ये दवाई तब दी जाती है जब वेजिनल डिस्चार्ज हो रहा हो और वेजिनल डिस्चार्ज के साथ साथ ईचिंग भी हो, तो ऐसे में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। अगर बर्निंग पेन भी हो तो उसमें असरदार रहती है। इन बीमारियों में दवाई बहुत असरदार रहती है। अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है और ऐसे कोई लक्षण हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही ये दवाई खाएं, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, इस दवाई की डोजेस की बात की जाए तो सभी पोटेंसी की डोज अलग होती है, 6 CH, 30 CH, 200 CH और 1 mg तक इसकी पोटेंसी देखने को मिलती है,
और सभी की डोज पेशेंट के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे मिलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।